गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे वी विल डिस्कस अबाउट एटॉमिक स्ट्रक्चर पार्ट 7। अब हम यहाँ देखते हैं ओरिएंटेशन ऑफ डी ऑर्बिटल्स। लास्ट लेक्चर में पार्ट 6 में मैंने आपको एस ऑर्बिटल्स और पी ऑर्बिटल्स का ओरिएंटेशन के बारे में बताया था। यहाँ अब हम पढ़ेंगे डी ऑर्बिटल के ओरिएंटेशन के लिए। डी ऑर्बिटल्स हैं तो डी ऑर्बिटल्स के लिए एल की वैल्यू होती है 2 और एम की वैल्यू होती है 5। कौन कौन सी होती है? 0 प्लस 1 प्लस 2, ठीक है, एंड -1 एंड -2। तो टोटल 5 वैल्यू होती है यहाँ पे। जितनी ज़्यादा m की वैल्यू होंगी उतने ही ओरिएंटेशन होगा ऑर्बिटल्स का। तो यहाँ पे m की वैल्यू 5 है तो इसका मतलब d के 5 ही ओरिएंटेशंस होंगे, 5 ओरिएंटेशंस होंगे, क्योंकि m की वैल्यू क्या होती है, l की, l इज इक्वल टू 2 है, एल इज इक्वल टू 2 है, वो कॉमन होगी सभी डी ऑर्बिटल्स के लिए। एल इज इक्वल टू 2 है तो एम की वैल्यू क्या हो जाएगी, 5 हो जाएगी, और 5 है तो 5 ही ओरिएंटेशन होंगे डी ऑर्बिटल्स के। डिपेंडिंग ऑन द परमिटेड कॉम्बिनेशन ऑफ एल एंड एम, वैल्यू फॉर 5 डी ऑर्बिटल्स एंगुलर वेव फंक्शन कॉरेस्पॉन्डिंग टू डिफरेंट डी ऑर्बिटल्स आर एज फॉलोज। अब आप देखिए एंगुलर वेव फंक्शन इनका 5 ओरिएंटेशंस हो गया, एम की वैल्यू 5 है तो 5 ही इनके लिए एंगुलर वेव फंक्शन हो गया, यानी कि 5 ही साइज, 5 डायरेक्शंस जो होंगी उसके अकॉर्डिंग ओरिएंटेड होंगे, ये अलग अलग तरह से ओरिएंटेड होंगे एक्सेस पे। किस तरह से, देखिए एक होता है डी एक्स वाई ऑर्बिटल। डी एक्स वाई ऑर्बिटल जो होता है वो एक्स एंड वाई एक्सेस जो है उनके बीच में ओरिएंटेड होंगे। एक्स एंड वाई दो एक्सेस हैं, इनके बीच में ओरिएंटेड है, इस तरह से यहाँ पे ये दिखाया गया है। ऐसे ही यहाँ देखिए सेकंड है हमारा डी वाई जेड। डी वाई जेड है यानी कि दो एक्सेस कौन कौन से हुए, एक तो हो गया वाई और एक हो गया जेड, उनके बीच में ओरिएंटेड हो गए। तीसरा है डी जेड एक्स बोलो या फिर डी एक्स जेड बोलो, ये दो एक्सेस होंगे, एक एक्स और एक वाई, उनके बीच में ओरिएंटेड होंगे। एक है डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, ये जो है, अब आपको ये ध्यान रखना है अब तक जो 3 बताए थे वो तो एक्सेस के बीच में ओरिएंटेड थे, लेकिन ये वाला जो ऑर्बिटल है वो हो जाएगा एक्सेस के ऊपर ओरिएंटेड होगा, यानी कि एक्स एंड वाई एक्सेस पे ओरिएंटेड है ये। और डी जेड स्क्वायर है ये भी हमारा एक्सेस पे ही ओरिएंटेड है, यानी कि जेड एक्सेस पे ओरिएंटेड है, और इसमें कॉन्सेंट्रिक रिंग सी बनती है जो कि प्लेन में बनती है, एक्स और वाई प्लेन में बनती है, और ये इसकी एक लोब जो है वो जेड एक्सेस पे ओरिएंटेड है। ये हो गई हमारी डी ऑर्बिटल्स की शेप। यहाँ पे आपने देखा होगा यहाँ हमने जो लोब्स में प्लस एंड माइनस साइन दिखा रखे हैं, ये प्लस एंड माइनस साइन कोई चार्ज नहीं है, इन्हें चार्ज नहीं समझिए आप, ये केवल और केवल जो हमारा एंगुलर वेव फंक्शन होता है उसके एल्जेब्रिक साइन होते हैं। वेव फंक्शन प्लस एंड माइनस में लिखा जाता है तो ये इसके एल्जेब्रिक साइन हो गए। जो एंगुलर पार्ट ऑफ वेव फंक्शन होता है वो एक लोब में तो होगा प्लस और अनदर लोब में होगा नेगेटिव। देखिए सब में देखिए आप यहाँ, जैसे हमने बोला डी एक्स वाई है तो इसकी दो लोब हैं जिनमें से एक लोब तो हो गई पॉजिटिव और एक लोब हो गई है नेगेटिव। तो जो एंगुलर वेव फंक्शन होता है वो एल्जेब्रिक साइन इसमें हमें दिखाना पड़ता है। इसी तरह से आपने वहाँ पे भी नोट किया होगा जब मैंने पी ऑर्बिटल्स के अंदर ओरिएंटेशन कराया था तो वहाँ पे भी एक लोब पॉजिटिव दिखाई थी और सेकेंड लोब हमने नेगेटिव दिखाई थी। तो जो एंगुलर वेव फंक्शन होता है साई जो होता है वो क्या होता है, एल्जेब्रिक साइन होता है, रखा जाता है उसमें प्लस एंड माइनस का। और लेकिन अगर साई स्क्वायर हम करते हैं वेव फंक्शन का, अगर आपने स्क्वायर कर दिया है जो कि प्रोबेबिलिटी को दर्शाता है, वो क्या होता है, वो दोनों ही लॉब्स में सेम होगा, वहाँ पे हम प्लस एंड माइनस नहीं दिखाएंगे, वो सेम रहेगा, एक ही साइन रहता है वहाँ पे, यानी कि कोई साइन मत लगाओ या तो, या फिर पॉजिटिव ही बोलो आप उसको, वो दोनों लोब में ही सेम होता है। अब आप देखिए कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ डी ऑर्बिटल्स। देखो डी एक्स वाई, डी वाई जेड और डी जेड एक्स जो 3 ऑर्बिटल्स थे, और डी एक्स वाई स्क्वायर वाई स्क्वायर ऑर्बिटल जो भी था, ये चारों ऑर्बिटल की शेप है डम्बल शेप, डम्बल शेप है, और डम्बल शेप में भी डबल डम्बल शेप है, यानी कि सब में आपको डम्बल शेप दिखाई दी है लेकिन दो, यानी कि यहाँ पे आपको 4 लोब दिखाई दिए हैं, तो डबल डम्बल शेप है इनकी साइज, यहाँ पे 4 लोब होती है। अब जो फर्स्ट 3 ऑर्बिटल्स हैं इनके डी एक्स वाई, डी वाई जेड और डी जेड एक्स जो है, इन 3 ऑर्बिटल्स के अंदर तो क्या होती है, इनकी लोब्स कॉन्सेंट्रेट होती है कहाँ पे,
प्लेन्स के बीच में, जैसे डी एक्स वाई है तो उसकी लोब होगी एक्स वाई एक्सिस के बीच में, वाई जेड जी वाई जेड जो है वो वाई जेड के बीच में, और डी जेड एक्स जो है वो जेड एक्स प्लेन में होगी। प्लेन बोल दो या फिर आप एक्सिस के बीच में, क्या होता है प्लेन ही होता है, दो एक्सिस के बीच में कोई ऐसा प्लेन जा रहा है यानी कि वहाँ पे ही इनकी लोब क्या है कॉन्सेंट्रेट है, एक्सिस में नहीं है एक्सिस के बीच में जो प्लेन होता है उसमें इनकी लोब्स ओरिएंटेड है। अब और जो लोब ऑफ डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जो है वो क्या है, वो एक्सिस के ऊपर है, एक्स एक्सिस के ऊपर और वाई एक्सिस के ऊपर इनकी लोब कॉन्सेंट्रेट है। जबकि डी जेड स्क्वायर ऑर्बिटल जो होता है तो डम्बल शेप, टू ही लोब्स हैं जो कि क्या है जेड एक्सिस के अलोंग है, दोनों ही प्लस साइन की दिखाई गई है यहाँ पे, और एक इसके अंदर एक कॉन्सेंट्रिक कॉलर होती है, फिर रिंग होती है अराउंड न्यूक्लियस इन एक्स वाई प्लेन, एक्स वाई प्लेन के में जो न्यूक्लियस बना हुआ है उसके चारों ओर उसे दिखाया गया है माइनस साइन का, ये इसकी शेप होती है। द डी ऑर्बिटल बिलोंगिंग टू सेम एनर्जी शेल आर डीजनरेट, जैसे कि 3D ऑर्बिटल बोला मैंने, 3D में भी 3D के 5 ऑर्बिटल्स बन जाएंगे, m5 है तो 5 ही ऑर्बिटल बनेंगे, dxy, 3dxy, 3dyz, 3dzx, 3dx2y2, 3dzy2, इन सब के लिए सेम हो गया n की वैल्यू सपोज 3 है सबके लिए, ऐसे 4D बनेंगे तो 4D में भी n की वैल्यू सेम हो जाएगी 4, तो सेम n है तो इन 5 पूरे पांचों की एनर्जी क्या हो जाएगी सेम हो जाएगी। फ्री एटम के अंदर एक कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन और होता है जो आप नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, वहाँ पे ये डी ऑर्बिटल्स डीजनरेट नहीं रहते हैं, कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन के ड्यूरेशन में क्या होता है ये डीजनरेट नहीं रह पाते हैं, टू सेट्स में डिवाइड हो जाते हैं जो आप नेक्स्ट क्लासेस में पढ़ेंगे। अभी तो आपको देखना है इन फ्री एटम है, कोई कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन नहीं है, उस टाइम पे डी ऑर्बिटल्स जो हैं अगर एंड सेम है तो ये पांचों की एनर्जी सेम होगी और ये डीजनरेट होंगे, यानी कि एनर्जी अगर सेम है तो इसके लिए हम क्या टर्मिनोलॉजी यूज़ करते हैं डीजनरेट, तो ये सब डीजनरेट होंगे। देखिए यहाँ पे नोट कीजिए, हमने यहाँ पे लिखा है यहाँ पे सेम एनर्जी ना फ्री एटम, ये फिफ्थ पॉइंट जो है लिखा है यहाँ पे द डी ऑर्बिटल बिलोंगिंग टू द सेम एनर्जी शेल आर डी जनरेट दैट इज हैव द सेम एनर्जी ना फ्री एटम, फ्री एटम की बात की है यहाँ पे। द डी ऑर्बिटल्स बिलोंगिंग टू ऑल मीन एनर्जी शेल हैव सिमिलर शेप बट देयर साइज गोज ऑन इंक्रीजिंग एज द वैल्यू ऑफ एन एंड नंबर ऑफ नोडल पॉइंट्स इंक्रीजेस, जैसे जैसे एन की वैल्यू बढ़ती जाएगी वैसे वैसे नोडल पॉइंट्स भी बढ़ते जाएंगे और जो इनकी एनर्जी होगी वो क्या होती जाएगी चेंज होती जाएगी, समझ में आया आपको, साइज जैसे जैसे बढ़ता जाएगा एन की वैल्यू बढ़ी साइज चेंज होगा तो इनकी एनर्जी जो होगी वो भी डिफरेंट होती चली जाएगी बढ़ती चली जाएगी। फॉर एग्जाम्पल द साइज ऑफ 5D ऑर्बिटल है, 5D ऑर्बिटल है तो इसके लिए आप वैल्यू कैसे निकालेंगे, नोडल पॉइंट की वैल्यू निकालेंगे आप यहाँ पे एन माइनस एल माइनस 1 करके, तो इसके लिए n की वैल्यू है 5, l की वैल्यू हो जाती है 2, d के लिए 2 है तो यहाँ पे इसके लिए नोडल पॉइंट आ रहा है 2, और 4D ऑर्बिटल के लिए नोडल पॉइंट क्या आ रहा है 4 माइनस 2 माइनस 1 करके आ रहा है 1। देखिए यहाँ पे नोडल पॉइंट, अगर आप पी ऑर्बिटल के लिए तो आपने नोडल पॉइंट सीधे निकाल लिया था n माइनस 1 करके, और यहाँ पे निकालोगे आप n माइनस l माइनस 1 करके, तो यहाँ से आपने नोडल पॉइंट निकाल लिया है, जिसमें जितने ज़्यादा नोडल पॉइंट होंगे उसका साइज उतना ही ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगा। थैंक यू बच्चों।